हाय, मैं प्रियंका एंड यू वेलकम टू द टेरेस किचन। आज हम देखेंगे तीन मैगी हैक्स, तीन बहुत ही आसान तरीके से आप मैगी को अपग्रेड कर सकते हैं कि आपकी जो मैगी है ना बहुत ही टेस्टी लगेगी। मैगी के अलावा यिप्पी पर भी आप ये हैक्स ट्राई कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में डालें 2 से 3 टीस्पून तेल, फिर डालें 1 से 2 ब्याड़गी या फिर कश्मीरी लाल मिर्च बिना बीज के, हल्का सा भून लें जब तक कि क्रिस्पी ना हो जाए। फिर डालें प्याज, एक मीडियम साइज का प्याज यहाँ पर मैंने डाला है। प्याज को हल्का सा सुनहरा होने तक फ्राई कर लें लो मीडियम हीट पर। उसके बाद डालें थोड़ी सी लाल मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से और 1.5 कप पानी। पानी हमें नॉर्मल मैगी से ज़्यादा चाहिए तो 1.5 से 2 कप आप डाल सकते हैं। उसके बाद डालें स्वीट कॉर्न, यहाँ पर मैं 1/4 कप यानी 1/4 कप स्वीट कॉर्न डाल रही हूँ। इन सबको अच्छे से उबाल लें। इसके अलावा आप कोई और सब्जी डाल सकते हैं या फिर कोई सब्जी भी आप नहीं डालना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। फिर डालें मैगी मसाला, मतलब एक जो सैशे आता है वो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ। ये सेम रेसिपी आप अपने मनपसंद इंस्टेंट नूडल्स के साथ ट्राई कर सकते हैं, किसी और ब्रांड का। थोड़ा सा नमक, क्योंकि बाकी चीज़ें हमने डाली है तो मसाले का नमक कम पड़ेगा। 1 पैकेट मैगी नूडल्स डालें और इसे पका लें। इस वाली मैगी में जो सूप है, जो पानी है, ये हमें ज़्यादा चाहिए तो इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद डालें कोकोनट मिल्क पाउडर, आजकल बहुत आसानी से मिल जाती है। 25 ग्राम यहाँ पर मैंने डाली है। आप चाहें तो फ्रेश कोकोनट मिल्क घर पे बनाकर भी डाल सकते हैं। रेडीमेड लिक्विड वाला कोकोनट मिल्क भी मिलता है, आप वो भी डाल सकते हैं या फिर जैसे मैंने पाउडर यूज़ किया पाउडर डाल सकते हैं। इसे लगातार चलाते रहें, 2 से 3 मिनट तक पकाएं और आखिर में डालें थोड़ा सा हरा प्याज, अगर आपके पास है तो ज़रूर डालें। तो ये है हमारी सबसे पहली वाली मॉनसून मैगी, जो कि है कोकोनट मिल्क मैगी। सूखे नारियल का स्वाद बिल्कुल अलग होता है और कोकोनट मिल्क वाला स्वाद बहुत ही अलग होता है। ये बहुत टेस्टी और क्रीमी लगता है, कह लीजिए क्रीमी वर्जन है विदाउट डेयरी यानी विदाउट मिल्क। गर्मा गर्म में सूपी मैगी को खाएंगे, सूप भी बहुत फ्लेवरफुल और क्रीमी टेस्टी आपको लगेगा। थोड़ा सा खाने के बाद लगेगा बस खाते जाओ, इतनी टेस्टी ये वाली मैगी बनती है। नेक्स्ट वाली मैगी के लिए पानी उबालें और उसमें डालें 1 पैकेट मैगी। पानी थोड़ा ज़्यादा लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें आखिर में पानी निकाल ही देना है। पकाएं जब तक कि जो नूडल्स अच्छे से पकना जाए, बहुत ज़्यादा गलाएं नहीं नूडल्स को। उसके बाद नूडल्स को छान लें। नूडल्स छानने के बाद अगला स्टेप हमें जल्दी करना है इसके बाद ही, वरना नूडल्स आपस में चिपक जाएंगे। एक पैन में डालें थोड़ा सा तेल, अपने अंदाजे से मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, और उसके बाद ये जो नूडल्स है इसके ऊपर फैला दें। इस तरह से फैलाएं कि बीच में एक आप छोटा सा होल, एक सेंटर में एक स्पेस रखें इस तरह से। अब इन नूडल्स को हमें अच्छे से फ्राई करना है तो थोड़ा सा तेल डालें और दोनों साइड से हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई कर लें। एक प्लेट पे आप इस तरह से पलट सकते हैं, क्योंकि अगर आप पलटे से पलटेंगे तो नूडल्स बिखर जाएंगे। नूडल्स को इतना फ्राई करना है कि वो पूरी तरह से एकदम क्रिस्पी नहीं होने चाहिए नमकीन की तरह, थोड़े थोड़े गोल्डन क्रिस्पी होने चाहिए दोनों साइड से और अंदर नूडल्स सॉफ्ट होने चाहिए। अब उसी पैन या कढ़ाई में डालें थोड़ा सा और तेल, कम कम तेल डालें और 1 से 2 सूखी मिर्चें और हल्का सा फ्राई कर लेने क्रिस्पी होने तक। फिर डालें एक मीडियम साइज़ का प्याज, जिसे कट करके मैंने जो लेयर्स है परतें हैं ये अलग कर ली है। फिर डालें 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट या फिर कुटा हुआ या फिर चॉप किया हुआ लहसुन और अच्छे से फ्राई कर लें जब तक कच्ची स्मेल ना चली जाए। उसके बाद डालें 1 छोटे साइज़ की शिमला मिर्च, या फिर बड़ी हो मीडियम हो तो आप आधी डाल सकते हैं। थोड़ा सा नमक केवल प्याज और शिमला मिर्च के हिसाब से। उसके बाद डालें 1/4 टीस्पून या उससे थोड़ी सी कम लाल मिर्च और 2 टीस्पून सोया सॉस और थोड़ा सा पानी डालें। आंच धीमी रखें और सब अच्छे से आप मिक्स कर लें। इसके बाद डालना है हमें और पानी, क्योंकि हम बना रहे हैं सॉस, तो 1/2 से 3/4 कप पानी आप अंदाजे से डाल लें। और फिर डालें 1/2 टीस्पून चीनी और 1 मैगी मसाले का सैशे, जो मैगी के पैकेट में ही आता है। इन सबको अच्छे से आप मिला लें और जैसे ही पानी में उबाल आएगा तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर पानी में मिलाकर इसमें डालें। 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर या कॉर्नस्टार्च मैंने यहाँ पर लिया है। सॉस को थोड़ा सा पकाएं, ये गाढ़ा हो जाएगा, इसमें एक चमक आ जाएगी।
इसके बाद डालें 1/4 कप पनीर। आप चाहें तो पनीर को फ्राई करके डाल सकते हैं, लेकिन अच्छा मलाईदार जो पनीर है अगर आप डालेंगे बिना फ्राई किए वो इस सॉस में बहुत अच्छा लगेगा। बस थोड़ा सा पकाएं 1 मिनट और सॉस तैयार है। गर्मा गर्म फ्राई किए हुए नूडल्स पर तुरंत इसे परोसें। इस सॉस को यानी जो वेजिटेबल्स है सॉस में, इन्हें बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अमेजिंग लगता है। जो नूडल्स हैं ये कहीं कहीं पर गोल्डन है, क्रिस्पी है, जब आप इसे खाते हैं तो कहीं कहीं वो क्रिस्पी लगते हैं और अंदर से सॉफ्ट लगते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही मज़ेदार लगता है। और गर्मा गर्म ही इसे परोसे, आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। तीसरी वाली मैगी के लिए एक पैन में डालें 2 से 3 टीस्पून तेल और 1/4 कप पनीर के टुकड़ों को आप हल्का हल्का फ्राई कर लें ताकि ये थोड़े से गोल्डन कलर के हो जाएं। इस रेसिपी में हम पनीर को फ्राई कर रहे हैं, इन्हें फ्राई करके अलग से निकाल दें। फिर एक पैन में पानी उबालें और डालें 1 मैगी का पैकेट। हमें मैगी को बॉयल करना है और छानना है इस रेसिपी के लिए भी। ध्यान रहे कि मैगी को बॉयल करके आप बहुत देर तक ना रखें, तुरंत रेसिपी की तरफ बढ़ें। उसके बाद कढ़ाई में डालें तेल और डालें 1 टीस्पून चॉप किया हुआ बारीक कटा हुआ लहसुन। इसे हल्का सा गोल्डन होने तक फ्राई कर लें और उसके बाद डालें प्याज। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है और जो स्प्रिंग अनियन यानी हरा प्याज होता है उसका प्याज वाला हिस्सा भी यहाँ पर लिया है। एक मीडियम या छोटा प्याज आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। फिर डालें लाल मिर्च 1/4 टीस्पून या फिर कम, 2 टीस्पून सोया सॉस, थोड़ा सा पानी डालें ताकि जो सोया सॉस है वो वेस्ट भी ना हो, 1 टीस्पून चीनी, थोड़ा सा नमक, क्योंकि सोया सॉस में नमक है, मैगी के मसाले में नमक है, आप बाद में एडजस्ट भी कर सकते हैं। 1 मैगी का मसाले वाला पैकेट जो मैगी के नूडल्स के साथ ही आता है, इन सबको अच्छे से मिला लें। फिर डालें 2 टीस्पून क्रश की हुई मूंगफली, जो भुनी हुई मूंगफली आती है नमक वाली, उसी को क्रश किया है, और थोड़ा सा हरे प्याज का हरा वाला हिस्सा। अब नूडल्स डालें और हल्के हाथ से मिला लें इस तरह से कि नूडल्स आपके कटे ना। आप चाहें तो 2 फोर्क यूज़ कर सकते हैं अच्छे से नूडल्स को मिक्स करने के लिए। ये है हमारे मैगी नूडल्स का पैड थाई वाला वर्जन। तो पैड थाई का बहुत ही आसान मैगी नूडल्स के साथ बनाया हुआ वर्जन जो बन रहा है उन चीज़ों के साथ जो हमें आसानी से मिल जाती है। गार्निश करें आखिर में थोड़ी सी और मूंगफली से, फ्राइड पनीर और हरे प्याज से। मूंगफली जो है घर पर भून के यूज़ करने के बजाय जो नमक वाली आती है उसका यूज़ करें, ज़्यादा टेस्टी लगेगी। या फिर घर पर आप उस तरह से रोस्ट करते हैं मूंगफली तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, नमक वाली मूंगफली। ये थी हमारी 3 तरह की बारिश वाली मैगी। वैसे तो आप किसी भी मौसम में इन्हें इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में गर्मा गर्म चीज़ें खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। और अगर आप मैगी खाना चाह रहे हैं तो आप ये रेसिपीज ट्राई कर सकते हैं। बहुत लंबी ये नहीं है, मैंने एक्सप्लेन की, अगर आप खुद करेंगे तो फटाफट हो जाएंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक करें इन रेसिपीज़ को ट्राई एंड एन्जॉय।